हम हमेशा सोचते हैं कि हमने आज तक जीवन में जो भी विचार रखे हैं, जो भी काम किए हैं, वो एक पत्थर की लकीर की तरह स्थिर हो चुके हैं, हमेशा के लिए जड़ हो चुके हैं। पर हकीकत ये नहीं है। आप आज जो भी हैं, वो आपके विचारों का, कामों का एक निष्कर्ष है, मगर ये आपका कल नहीं होगा। कल आप कुछ भी हो सकते हैं। किस चीज की आपको रुचि है, ये जानना हमारे लिए आज बहुत जरूरी है। हम पूरी जिंदगी एक ही चीज से आकर्षित नहीं रहते। हमारे जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं और हर परिस्थिति के साथ हमारी रुचियां भी बदलती रहती हैं। ये जानते रहना हमारे लिए आवश्यक है कि हम अब किस चीज में रुचि रखते हैं। अगर हमें ये पता है तो हम अपने जीवन को और अच्छी दिशा दे सकते हैं और उन चीजों में आगे बढ़ सकते हैं जो वाकई आज के जमाने में, आज के समय में हमारी कला या हमारा हुनर बन सकता है। तो आज हम जो ध्यान करेंगे उसमें हम अपने अवचेतन मन से यही जानेंगे कि आज मैं कौन हूं। तो ध्यान में बैठते हैं, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, हाथों को गोद में रख लें, आंखें बंद कर लें, कंधों को नीचे रहने दें और अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे रोक लेंगे और अब इसे मुंह से छोड़िए और सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला होने दीजिए, शांत होने दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस भरिए, पेट तक जाने दीजिए और इसे रोक लीजिए और अब सांस छोड़ते हुए और शांत हो जाएं, शरीर में संतुलन आने दें। एक और लंबी गहरी सांस भरिए और अब सांस को मुंह से छोड़ते हुए देखिए कि किस तरह से शरीर सारे तनाव से मुक्त हो रहा है, कंधे ढीले हो रहे हैं, कमर की मांसपेशियां ढीली हो रही हैं, हाथ और पैर हल्के हो रहे हैं, दांतों को भींचे नहीं, आंखों को आराम से बंद कर ले और आंखों के आसपास की सारी मांसपेशियों को बिल्कुल आराम से ढीला छोड़ दें। अपने माथे पे कोई भी शिकन ना रहे इसलिए इसे भी ढीला छोड़ दें और देखिए कि मेरी सांस गहरी है या नहीं, कितनी लंबी ये सांस है, शरीर के किस हिस्से तक ये सांस जा रही है। कहीं भी कोई कालिख महसूस हो, कहीं पे भी लगे कि ये सांस रुक रही है, तो और गहरी सांस भरते हुए उस हिस्से में इस सांस को केंद्रित करें और देखिए कि किसी भी तरह की रुकावट अब आसानी से पिघल रही है और ये सांस आपके शरीर के हर कोने तक पहुंच रही है और आपको जागरूक कर रही है। अब आप पूरी तरह से एक शांत आरामदायक स्थिति में आ चुके हैं जहां सांस लेना बहुत ही आसान हो चुका है। अपने पूरे शरीर को एक सफ़ेद दिव्य ऊर्जा के अंदर महसूस करें। ये आपकी ऑरा है, देखिए कि ये ऑरा कितनी बड़ी है, ये आभा मंडल कितना बड़ा है और एक लंबी गहरी सांस भरते हुए इस आभा मंडल में किसी भी तरह की रुकावट या दृश्य दिखें तो उन्हें साफ करते जाइए कि आपका शरीर और आभा मंडल दोनों शांत संतुलित हो चुके हैं। अब अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? अपने आप से, अपने अंतर्मन से आवाज निकलने दीजिए कि आप कौन हो। अपने आप को एक उम्र ना मानो, अपने आप को एक जाति ना मानो, अपने आप को पुरुष या नारी ना मानो, सिर्फ आप एक दिव्य आत्मा हो। उस बात को बाहर आने दो। क्या है आपके जीवन का लक्ष्य और क्या है वो क्रिया
जो आपको खुशी देती है, किस काम को करने से आप प्रसन्न होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। अपने इस ध्यान की स्थिति में उन दृश्यों को देखिए जब आप वो क्रिया कर रहे हो जिससे आपके चेहरे पर एक सुकून हो, एक शांत भाव हो और किसी बात की परवाह ना हो कि दुनिया कैसे आपको देखेगी, किसी को कुछ जाहिर करने की ज़रूरत ना हो। उसके बाद क्या है वो क्रिया जो आपको सबसे ज़्यादा भाती है, जिसे करते हुए आप वक्त भी भूल जाते हैं, समाज भी भूल जाते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर से उन सारे विचारों को छोड़ दीजिए जो आप में संकोच रखते हों, जो आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हों। अब अपने आप से पूछिए, अपने इस हुनर को, इस कला को मैं और किस मुकाम तक ले जा सकता हूँ। कुछ भी हो सकती है ये कला, समाज के तराजू में इसे ना तोलें। क्या है ये क्रिया और इसमें आप क्या मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब अपने उस आभा मंडल को और प्रकाशित होता हुआ देखिए और एक लंबी गहरी सांस भरते हुए देखिए कि इस संसार की दिव्य शक्ति अब आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है और आप में वो सारा आत्मविश्वास भर रही है, वो सारी संपूर्णता आपको दे रही है जिससे आप इस क्रिया में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। चेहरे पर एक मुस्कान लाएं, अपने आत्मविश्वास को शरीर के हर हिस्से में बहने दें। अपने विचारों में सिर्फ सकारात्मकता रखते हुए अब धीरे धीरे हम इसे अपने वास्तविक जीवन में लेकर आएंगे, जिससे कि कोई भी बदलाव जो हमें आज अपने व्यवहार में, अपनी सोच में करने हों, वो आसानी से हो जाएं। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ के रगड़िए और इन्हें अपनी आँखों पर रखते हुए आँखें खोलिए और अभी भी अपने उस आभा मंडल से वाकिफ रहिए, किस तरह वो आभा मंडल आपके चारों ओर है और आप आज दिन भर जहाँ भी जाएंगे, चलेंगे, सोएंगे, ये आभा मंडल सक्रिय रहेगा। आप वो सारे काम करते जाएंगे जिससे आप अपना मुकाम हासिल कर पाएं।